इन दिनों सोशल मीडिया में डिंडोरी जिला का एक स्कूल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सरकारी स्कूल के प्रचार फिल्मी गीत में झूमते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ग्राम कूड़ा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर का बताया जा रहा है और नाचने वाले हरी वेशभूषा में स्कूल के प्रचार डालचंद कुशराम एवं शांत में एक शिक्षक बताए जा रहे हैं। वीडियो में हैरत की बात यह रही कि प्रचार जहां डांस कर रहे हैं उसके पीछे चार ध्वज लगे हुए हैं, जिनमें से तीन सीधे और एक उल्टा दिखाई दे रहा है। जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो स्कूल के शिक्षक तरुण ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा कि प्रभात फेरी के लिए छात्रों ने जो तिरंगा निकाला था, लेकिन कोविड के चलते प्रभात फेरी नहीं निकाली गई और किसी बच्चे ने एक झंडा उल्टा लगा दिया, इससे त्रुटि हुई है और हमें खेद है। पर हैरत की बात यह दिखाई दी कि वीडियो में सभी कुर्सी में बैठे शिक्षक विद्वान प्रचार का वीडियो बनाने में मशगूल थे, लेकिन किसी की नजर उल्टे झंडे पर नहीं पड़ी और देशभक्ति के दिन फिल्मी गीत पर प्रचार मास झूमते रहे। कोतवाली पुलिस ने प्रभारी प्रचार के खिलाफ राष्ट्र ध्वज अपमान सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। इसके बाद कार्यक्रम चल रहा था, बच्चों के द्वारा रैली निकाली जाती है हर साल, परंतु इस साल कोरोना की वजह से रैली नहीं निकल पाई। बच्चों ने झंडा रखे थे सर, तो सात किसी बच्चे ने झंडा उल्टा रख दिया वहाँ पे। जैसे हमारा नजर गया सर, तुरंत हम सम्मान से सीधे कर दिए हैं और हम शिक्षक हैं और झंडे गर्म समझते हैं, अंदर अलग है वो लड़के लड़की है सर, से इस बात की जी चूक मानते हैं सर, बच्चों के द्वारा गलती की गई, परंतु दुख का बात है जी, बिल्कुल खेद है। ग्राम कूड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल का 26 जनवरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा लगाया गया है, जिस पर ग्राम कूड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य DC कुशराम की विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अरेस्टिंग की जाएगी सर इस मामले में? अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना जारी है।